नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं विकल्प क्लासेज में। आज 16 अगस्त 2024 को जो वीकली टेस्ट हुए हैं उसमें रेलवे बैच 2024 का ये आपके सामने टेस्ट है, इसकी आज अपने आंसर की पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी भारत की राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल के 10 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ब, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार पर होते हैं। ऑप्शन द, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन ए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो है वो उस संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ऑप्शन स, पांचवा प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो 100 संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। निम्न में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो इसमें जो है आपका लोक सेवकों को नियुक्ति देने का कार्य जो है ये संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ब, भारत के न्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सत्य कथन है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, सत्य कथन है। और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, सत्य कथन है। तो इसमें ऑप्शन जो स है, सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का न्यायवादी है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। तो ये आपके इंडियन पॉलिटिकल के 10 प्रश्न थे। चलिए आगे देखते हैं विज्ञान के प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो नहीं है, देखो स्प्रिंग की आकृति में बदलाव ये तो भौतिक परिवर्तन है, लोहे का चुंबक में बदलाव ये भी भौतिक परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन होना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है, और संघनन भी भौतिक परिवर्तन है। तो सही आंसर होगा स। पाइरोलुसाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सही आंसर है मैग्नीज का। हीरा है, तो हीरा विषम दैशिक भी है और चतुष्फलकीय भी है, तो आंसर होना चाहिए था बी व सी, और यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बी और सी, तो ये आपका प्रश्न डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उभयतल होता है, इस तरह का उत्तल प्लस उत्तल, इसे द्वि उत्तल भी कह सकते हो आप, उभयतल लेंस होता है ये। निम्न में से किसे दृष्टि पर्पल कहा जाता है? तो रोडोप्सिन को कहा जाता है। निम्न में से विलगित वल्य है? डाइफेनिल है। तांबे का शत्रु है? सल्फर। और एंजाइम होता है जैविक उत्प्रेरक। उत्तल लेंस में यदि बीम की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस पर होगी। चलिए आगे जानते हैं भारत के भूगोल के प्रश्नों के आंसर। आगे देखिए, भारत के भूगोल में पहला प्रश्न है, नर्मदा व तापी नदी के मध्य कौन सी पर्वतमाला है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला है। ऑप्शन ए, धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, और राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में, इसे मार्बल जल प्रपात भी कहते हैं। आगे देखिए 23वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मानसरोवर के समीपवर्ती क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो सिंधु भी मानसरोवर के निकट से निकलती है, सतलज भी मानसरोवर के निकट से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर के निकट से निकलती है, और एक घाघरा नदी है वो भी निकलती है। तो इसमें जो चिनाब है, ये चिनाब मानसरोवर के निकट क्षेत्र से नहीं निकलती, क्योंकि चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोपा जो है ये शरावती नदी पर है, इसके कई नाम हैं, इसको गरसोपा जलप्रपात, जोग जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है, जो पिछली कुछ परीक्षाओं के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये शरावती नदी पर बना हुआ है, और राज्य की बात करें तो कर्नाटक में। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वुल्लर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की प्राकृतिक झील है, जो विवर्तनिकी घटनाओं से बनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये झील स्थित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, वेबनाड झील भी लैगून झील है, ये केरल के अंदर है। पुलिकट झील भी लैगून झील है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। चिल्का झील भी है, ये उड़ीसा के अंदर है, ये भी लैगून झील है। तो जैसमंद झील जो है ये लैगून झील नहीं है, क्योंकि ये कृत्रिम झील है, भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है ये। तो ऑप्शन ब होगा।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है और गुजरात के अंदर है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कावेरी नदी पर बनाई गई है कर्नाटक के अंदर, और उस परियोजना का नाम है शिव समुद्रम जल परियोजना, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। तो ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना है। मेटूर जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है तमिलनाडु के अंदर। भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील। अगर पहली बड़ी कृत्रिम, सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो ये जो आपके ऑप्शन ए में दी गई है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये आपके भारत के भूगोल के 10 प्रश्न थे। आगे देखते हैं अपने मैथ के सवालों के आंसर। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन से 2000। दूसरा प्रश्न जो है मैथ का, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 12 या 1/2%। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 2/99 लाख। चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 132। पांचवें का उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 60 दिन। सातवां प्रश्न जो है मैथ का, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 48 मिनट। और आठवां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 1:2 ऑप्शन ए। नौवां प्रश्न है मैथ का, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 15:14। और लास्ट प्रश्न है मैथ का, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 4.61 सेंटीमीटर। आगे देखिए तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न है दिशा परीक्षण का, इसका उत्तर होगा दक्षिण पूर्व दिशा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न होगा, इसका उत्तर है पूर्व दिशा द ऑप्शन। और तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा छठवां ऑप्शन बी। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा 25वां ऑप्शन ए। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्विंकल। और 46वां प्रश्न जो है, 46वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए एच। 47वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन द 3। और 48वें प्रश्न का उत्तर होगा गुरुवार ऑप्शन बी। 49वें प्रश्न का उत्तर होगा सी ऑप्शन रविवार। और लास्ट रीजनिंग का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन द मंगलवार। आगे चलते हैं भारत के इतिहास के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ का उपयोग किया था ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई स्टार्ट की गई थी। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पाकालीन किस स्थल से सर्व विश्व में सबसे पहले भूकंप आने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हनुमानगढ़ के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ पर सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इंद्र था। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी। निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की जो रचना है ये गद्य भाग और पद्य भाग दोनों में की गई है। ये आपके प्रश्न हैं इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए आगे अपना पहला प्रश्न है, श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना कब लॉन्च की? तो 1944 में लॉन्च की ये योजना। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की जो गठन है वो कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर से है 6 अगस्त 1952 को। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में सेकंड परियोजना में, पंचवर्षीय योजना में ये इस्पात संयंत्र खोला गया था, वह USSR की मदद से खोला गया था, स्थापित किया गया था। देश में नाबार्ड की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? 12 जुलाई 1982 के अंदर। निम्नलिखित में से असत्य बताना है आपको, तो ये जो ऑप्शन डी है RTGS 9 अंकों का कोड होता है जो चेक के पन्ने के निचले कोने में दिया होता है, तो ये गलत है और इसका आंसर आएगा डी। निम्न में से सत्य है, तो फर्स्ट कृषि और लागत मूल्य आयोग जो है उसके द्वारा 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, सही है ये। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किसान कल्याण बोर्ड का मंत्रालय का ही हिस्सा है, सही है। अधिदिष्ट फसलों में 7 अनाज है, 5
दलहन है, 7 और 5 12, 12 और 7 19 तिलहन है, और 4 23, यानी ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर आपका आएगा स आएगा, सभी कथन सत्य है। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कब किया गया है? तो केंद्रीय बजट में यहाँ पर आपको शामिल किया गया है 2017-18 के अंदर, और भारत में पहली बार आय आंकलन के लिए उत्पादन विधि के साथ व्यय विधि को कब शामिल किया गया है? तो 1967 में शामिल किया गया। सेबी का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? मुंबई के अंदर। और एक राष्ट्र में एक कर प्रणाली जो है वो 1 जुलाई 2017 को GST लागू की गई है। आगे देखिए स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं अपने। पहला प्रश्न देखिए, 71वां प्रश्न, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो जॉन डॉल्टर ने की थी, जॉन डॉल्टन ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल जो है जो गुजरात के अंदर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के रचयिता हैं। कामसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये जो है ये की थी वात्स्यायन ने, ऑप्शन ए। सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना है ये 1985 से 90 के बीच थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा के अंदर है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो 15 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो ये हेक्सले का कथन है, ऑप्शन से। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है ये जेम्स चैडविक ने की थी, ऑप्शन द। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, ऑप्शन ए। ये आपके स्टैटिक्स जीके के 10 प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं अपने, आपका जो लास्ट पोर्शन है ये करंट अफेयर्स के प्रश्नों का। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो मालदीव जो है, मालदीव देश इसमें आएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन ए। हाल ही में किसने परिमल नाथवानी के द्वारा एशिया शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका उत्तर होगा बे ऑप्शन, नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बे। आगे देखिए 84वां प्रश्न है, किस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, मसूद पेजेशकियान। अगला प्रश्न देखिए, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने किसने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारतीयों ने 5 पदक जीते हैं, ऑप्शन ब। किस देश ने भगवान राम व भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है? तो ये है लाओस ने किया है, ऑप्शन ए। वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये श्रीलंका ने जीता है। वर्तमान में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 628 बाघों की मृत्यु हुई है। हाल ही में भारत को किस देश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, बांग्लादेश। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन बी। हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन बी। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? 25,000, ऑप्शन बी। हाल ही में किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने किया है। हाल ही में कौन सरीन विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है ये रिकॉर्ड? तो ये अक्षय ने बनाया है, ऑप्शन सी।
हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लंदन के अंदर आयोजित हुआ है। ऑप्शन द, हाल ही में सी टी कुरियन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन स, और छतरगला टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निर्माण किया जाएगा छतरकला टनल का। तो ये आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। इसी के साथ आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो ये आपका पेपर था आज तारीख 16 अगस्त 2024 वार शुक्रवार, रेलवे बैच का ये आपका पेपर था जो आपको सॉल्व करवाया गया है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और जितने भी वीकली टेस्ट होते हैं हमारे, उसके आंसर स्टडी विद एस के वर्मा और अभिकल्प इंस्टीट्यूट नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। तो ये आपका 16 अगस्त 2024 वार शुक्रवार को होने वाला रेलवे का टेस्ट था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।